तो हाँ जी भाई, देखिए निकल के आ चुकी है बहुत बड़ी अपडेट। सलमान खान ने लगा दी है दिग्विजय राठी की क्लास यहाँ पर रजत दलाल को लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि रजत को लेकर के दिग्विजय की क्लास कैसे लग सकती है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आजकल आप देख पा रहे हैं कि सलमान खान सबसे पहले आते हैं प्रोमो शूट कराने के लिए आते हैं, वीकेंड का वार का शूट कराने के लिए आते हैं, और वहां पे बहुत सारे जितने भी सदस्य हैं सभी से बात करते हैं, सभी के बारे में बोलते हैं, लेकिन बाद में भी जो है बात छेड़ते हैं यहाँ पर दिग्विजय राठी की। बोलते हैं दिग्विजय, आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो रजत के बहुत अच्छे फैन, बहुत अच्छे दोस्त बन के रह रहे थे, उसको अपना भाई बोल रहे थे, उसको आपने बात भी एक डेढ़ साल से आप जानते भी हो, उसको उससे आपकी बात भी हुई है, सबको आप उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन अभी अचानक आपको क्या हो गया है भाई? रजत से आपकी उतनी पट भी नहीं रही थी, उतनी बन भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी रजत ने आपको टाइम बोर्ड बनाया। और रियल है भाई, रजत ने देखो टाइम बोर्ड बनाया, और रजत ने जो समीकरण बनाया था कि मैं लास्ट में दौड़ूंगा तो भाई मैं लास्ट में जो है यार दिग्विजय को बना दूंगा, वरना कोई और दौड़ेगा, हो सकता है बग्गाबाजी को बना दे, ठीक है। तो ये चीज थी, उस चीज को लेके जो है दिग्विजय से पूछा गया सलमान खान ने कि भाई और आप जो है टाइम वॉर्ड बन गए हो, जब तो जब रजत तुमसे बात करने के लिए आ रहा तो आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई आप अपना अपने पास रखो, मुझे जो करना है मैं करूंगा अपने हिसाब से, अपना सब सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ, और बाकी आप करण भी मेहरा के पास में जाके बैठ रहे हो, शिल्पा जी के पास बैठ रहे हो, उनके ग्रुप में घुस रहे हो, ठीक है, और वही रजत सोच रहा है यार रजत को अकेला छोड़ दिया, मतलब रजत को ऐसा लगा था कि दिग्विजय आ गया तो दिग्विजय मैं और सारा और बग्गा चार लोग हो जाएंगे, अब दिग्विजय रजत अकेला पड़ गया बेचारा, उसको छोड़ दिया तुमने, तो भाई ये दोस्ती जो है थी तुम्हारी उसकी सिर्फ एक गलती कि तुमने चाय का पैकेट दिया और उसने विवेन को वापस कर दिया, उतनी सी बात पे तुमने जो है इतना सब कुछ कर दिया, मतलब कि तुमको एक सिर्फ बहाना चाहिए था तो दोस्ती तोड़ने का, वो तुमने कर दिया है। भाई कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है जो कि सलमान खान ने क्लास लगाई, जो कि आप लोग कमेंट कर रहे थे और हम खुद भी सोच रहे थे बेसिकली कि भाई ऐसा ये गलत है, ठीक है, दिग्विजय की क्लास लगनी चाहिए, और बेसिकली ऐसा हुआ भी, देखो दिग्विजय की क्लास लग गई फाइनली। तो ये जो चीजें हैं कुछ कुछ ये सामने निकल के आ रही है कि भाई दिग्विजय के साथ में, और साथ ही देखो रजत से भी कुछ कुछ सवाल किए सलमान खान ने कि जो शिल्पा जी से आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हो, आपकी माँ की उम्र की है वगैरह वगैरह, जो बातें करण भी खुद बोलता रहता है कि मम्मी की उम्र की है और मेरे ताऊ जी जो है पीओ में रहे हैं, मामा पुलिस में है, दुनिया भर की बातें जो चल रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीकेंड का वार का सूट देखो यहाँ पर एलिस कौशिक का इविक्शन हो चुका है, उसकी अपडेट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ इसके पहले वीडियो में, आप नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक है। अब एलिस कौशिक का जैसे इंटरव्यू आता है तो भाई उसके बारे में जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बाकी एलिस के जो इविक्शन पे सबसे ज्यादा कौन रोया, वो ईशा रोई, ठीक है, और तो कुछ बच नहीं रहा फिलहाल, बाकी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपका भाई इसी चैनल पे आगे देने वाला है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।